यूट्यूब एक ऐसी जगह जहां हजारों करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, कुछ वीडियोस अपलोड करके तो कुछ कहीं उन्हीं वीडियोस को देखकर। पर सवाल ये है कि यूट्यूब फ्री कैसे है, और अगर फ्री है तो बड़े यूट्यूबर्स को पैसे देते कैसे हैं ये, और इतने सारे वीडियोस हैंडल कैसे करते हैं। इन सब का जवाब कुछ ही पलों में मिल जाएगी, क्योंकि मैं बताऊंगा यूट्यूब कैसे काम करता है बस 2 मिनट में। 2005 में स्थापित किया गया ये वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म शायद ही किसी को ना पता हो, और शायद आपको ये भी पता होगा कि ये YouTube पे वीडियो अपलोड करने के पैसे भी देते हैं। पर कैसे? इसका जवाब है एडवर्टाइजिंग से। गूगल के बाद YouTube दुनिया का सबसे बड़ा एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है। बड़े बड़े कंपनीज और ब्रांड जैसे एडिडास, नेटफ्लिक्स, कोक आदि YouTube पे अपनी एड्स डलवाते हैं भर भर के, और जितने भी पैसे ये ब्रांड्स देती हैं उसका लगभग आधा पैसा YouTube उन वीडियोस को देता है, या यूं कहें यूट्यूबर्स को जिनका वो एड शो करते हैं। आमतौर पे एक साधारण यूट्यूबर $1 कमाता है हर 1000 व्यू में, यानी अगर कोई वीडियो पे आपको 1 मिलियन व्यू दिखे तो समझ लेना उस वीडियो से लगभग $1000 की कमाई हुई है। पर बाकी चीजों का क्या? YouTube कैसे पता करता है कि कोई वीडियो कॉपी है या नहीं? तो असल में YouTube के पास उसका खुद का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है कंटेंट आईडी के नाम से, जो ये चेक करता है कि कोई वीडियो या ऑडियो दोबारा किसी ने डाली तो नहीं, या उसकी साउंड पिच, फ्रीक्वेंसी और भी बहुत कुछ देखता है वो। अगर कोई भी नई वीडियो जो कॉपीराइटेड है उसको चेक करने के लिए पहले कंटेंट आईडी उस वीडियो को प्रोसेस करता है और बारी बारी उसकी कॉपीराइट लाइब्रेरी से मैच करवाता है। अगर मैच कर गया तो कॉपीराइट, और अगर नहीं करा तो अलाउ कर देता है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कहने में ये काफ़ी आसान लगता है, पर YouTube इतना बड़ा हो गया है हाल के दिनों में कि YouTube से आसान और छोटी चीज़ों की उम्मीद भी नहीं करते हम। तो अगले मज़ेदार वीडियो आने तक अपने ब्लाइंड स्पॉट को ब्लाइंड ना होने दें, और सब्सक्राइब कर दें अगर आपको ऐसी ही और वीडियोस आगे भी देखनी।